Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I will show you how to solve automatic switch off problem. चलते चलते हमारा मोबाइल का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है, तब से लेके मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। दोस्तों चिंता ना करें, इस वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा, फिर आपका मोबाइल पहले ऐसा ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका फ़ोन पानी में गिर जाता है या हाथ से गिर कर डिस्प्ले टूट जाता है तो इसका समाधान केवल आपको सर्विस सेंटर पर ही मिल सकता है। अगर आपका डिवाइस ऑटोमेटिक अपने आप ऑफ हो गया है तो इस वीडियो में बताया गया प्रोसेस को फॉलो करके इस डिवाइस को तुरंत ठीक कर सकते हैं। नंबर वन, फ़ोन रिस्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले इस डिवाइस को फोर्सफुली रिस्टार्ट करना होगा। अब अपना फ़ोन को ओरिजिनल चार्जर से कनेक्ट कीजिए, फिर कुछ देर बाद पावर बटन को 10 सेकेंड तक दबाए रखना होगा। 10 सेकेंड बाद डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का लोगो दिखाई देगा, तब पावर बटन से अपना हाथ हटा लेना, फिर आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा। ज़्यादा समय मोबाइल का सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंग कर जाते हैं, जिसके वजह से कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। डिवाइस स्टोरेज फुल होने की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकते हैं। डिवाइस ऑन होने के बाद सेटिंग्स में जाइए, अबाउट डिवाइस में जाइए, फिर यहाँ से इंटरनल स्टोरेज चेक कर सकते हैं। अगर भर गया है तो खाली कर दीजिए फोटो या एप्स वगैरह डिलीट करके, नहीं तो बार बार सेम प्रॉब्लम हो सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज मिनिमम 20% खाली रखना होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो सेकेंड स्टेप फॉलो कीजिए। नंबर टू, रिकवरी मोड। दोस्तों अब पावर बटन एंड वॉल्यूम प्लस बटन को एक साथ दबाए रखना होगा, फिर कुछ समय बाद डिस्प्ले के ऊपर फोन का लोगो दिखाई देगा, तब पावर बटन को छोड़ के सिर्फ वॉल्यूम प्लस बटन को दबाए रखना होगा। इसके बाद हाइपरएस रिकवरी मोड ओपन हो जाएगा। इस मोड में मोबाइल का टच स्क्रीन बिल्कुल काम नहीं करेगा। यहाँ कोई भी ऑप्शन एक्सेस करने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम की को यूज़ करना होगा। यहाँ पे रिबूट ऑप्शन सिलेक्ट है, आप पावर बटन को एक बार प्रेस कीजिए, रिबूट टू सिस्टम का ऑप्शन आएगा, आप फिर से हम एक बार पावर बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद मोबाइल ऑटोमेटिक रिबूट होना शुरू हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो जाएंगे। अगर आपके फ़ोन में डिस्प्ले डैमेज या मदरबोर्ड फॉल्ट हुआ है तो ये दोनों तरीका आपके लिए काम नहीं करेगा। कृपया इसके बाद सर्विस सेंटर या मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पर लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।